वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी ही होगी और आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे होंगे। तो आज भी मैं कुछ 8 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि व्यापम से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर से मैंने ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है। तो आज हम कुछ 8 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस डैश बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो। ऑप्शंस आर व्हेन हैज गॉन डाउन विल गो डाउन गोस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्राइस की बात की जाए, प्राइस क्या रहती है? कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, ये होती रहती, कभी कम रहती कभी ज्यादा कभी कम, तो ये चीज कंटिन्यूटी में चलती जाती। जैसे कि आप लोगों ने सुबह खाना खाया, फिर दोपहर में खाया, फिर रात में खाया, फिर शाम को खाया, इसी तरीके से अगले दिन खाया, है ना। तो ये आपको कंटिन्यू बना रहता है। ये आप ऐसा तो नहीं कि एक दिन आपने खाना नहीं खाया है, कुछ ना कुछ तो आप खाते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइस जो है कम ज्यादा होती रहती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दिखे तो हमें क्या लगाना है, एक रूल याद रखना है, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब हैज और हैव कहाँ लगेगा? तो हैज लगेगा आपका सिंगुलर में। जब हमारा सिंगुलर हमें वर्ब लेना पड़ेगा तो हैज लगाएंगे, और जब हमको प्लूरल लेना होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में लगेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ हैज दिख रहा है। प्राइस क्या है? सिंगुलर है, तो हैज गॉन क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड डाउन ये आ गया, ठीक है। सो हैज गॉन डाउन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैज गॉन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। ऑप्शंस आर हैज विथड्रॉन, इज विथड्रॉइंग, विथड्रॉ, विल हैव विथड्रॉन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आउट ऑफ 8 आप लोग के जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी बाय 1 o'clock आए, मतलब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं भाई? विल और शैल यूज करते हैं, है ना। तो विल यूज होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में विल दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव विथड्रॉन। नंबर 3 इज यू डैश कट योर नेल्स। ऑप्शन आर कैन शुड कुड माइट। जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है वो मॉडल वर्ब से लिया गया है। अब ये मॉडल वर्ब है क्या? तो मॉडल वर्ब है वो वर्ब जो इंडिकेट करे मॉडेलिटी को, मतलब जो दर्शाए मॉडेलिटी को। अब ये मॉडेलिटी क्या है? मॉडेलिटी मतलब एबिलिटी बताना, जिसे हम कह सकते हैं क्षमता, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो एबिलिटी। या जहां पर सजेशन आ जाए, मतलब कोई सुझाव आ जाए, है ना, या फिर परमिशन आ जाए। परमिशन मीन्स अनुमति देना, है ना, अनुमति आ जाएगा, या इस तरीके की कोई भी चीज, तो ये मोडालिटी कहलाएगी। और इन मोडालिटी को दर्शाने के लिए, मतलब इंडिकेट करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब। अभी मॉडल वर्ब्स क्या है? तो मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कि कैन, कुड, ये मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। शुड, शैल, ये सारे जो है मॉडल वर्ब्स, मतलब मे, माइट, है ना। तो ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब है। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यू डैश कट योर नेल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी इस तरीके की चीज हो, मतलब एबिलिटी आए या फिर परमिशन आए, सजेशन आए, यहाँ पे एडवाइस भी हम ले सकते हैं, या एडवाइस आए, तो इनका यूज जो है अलग अलग है। अगर एडवाइस आएगा तो हम कोई दूसरी मॉडल वर्ब लगाएंगे, परमिशन आएगी तो हम कोई दूसरी मॉडल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब रहेगी? पहले हम सेंटेंस का मतलब जानेंगे कि वो बोल क्या रहा है। यू डैश कट योर नेल्स, तुम्हें अपने नेल्स क्या करने चाहिए भाई? तुम्हें अपने नेल्स कट करने चाहिए, चाहिए। हम क्या दे रहे हैं भाई? एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस। तो एडवाइस के साथ हम क्या यूज करेंगे? शुड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है मॉडल वर्ब, तो इसको हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि जहां भी एडवाइस आए वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। और मॉडल वर्ब कौन सी यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? शुड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यू शुड कट योर नेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ये भी सेम मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है।
अब आप लोग को पता होगा कि इसमें क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है हमारे मे, कुछ, शुड, कैन। तो यहाँ पर भी एडवाइस देने की बात की जा रही है कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई सेड दैट आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शंस आर मे, कुड, शुड, कैन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मॉडल वर्ब से लिया गया है। किससे लिया गया है, मॉडल वर्ब, जो कि मैंने आपको अभी समझाई है कि मॉडल वर्ब क्या होती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है सेंटेंस में कि मैंने कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें हम क्या बता रहे हैं, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इस सेंटेंस में, एबिलिटी मतलब क्षमता बता रहे हैं। तो एबिलिटी के साथ हम या तो कैन यूज करेंगे या तो कुड यूज करेंगे, इन दोनों में से ही यूज होगा, या तो कैन या तो कुड। अगर जहां भी आप लोग को सेंटेंस में एबिलिटी दिख जाए, क्षमता दिख जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन और कुड। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैन कब यूज करेंगे और कुड कब यूज करेंगे। तो आ जाइए जल्दी से सेंटेंस पे। तो सेड क्या लिखा गया है, सेड। तो सेड क्या है, पास्ट फॉर्म है। सेड क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो जहां भी पास्ट फॉर्म होगा वहां पे हम कुड यूज करेंगे, और जहां भी प्रेजेंट फॉर्म होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। इसी तरीके से सारे मॉडल वर्ब्स में यूज होगा। जहां भी पास्ट फॉर्म होगा तो हम पास्ट वाला यूज करेंगे, और अगर प्रेजेंट फॉर्म होगा तो हम प्रेजेंट वाला यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमें सेंटेंस में देखते हैं, आई सेड दैट आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर बी, कुड यूज करेंगे। आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी प्रेड दैट गॉड डैश ब्लेस यू। तो यहाँ पर एबिलिटी आ रही है क्या, एबिलिटी आ रही है नहीं, कोई एडवाइस आ रही है नहीं, आ रही सजेशन आ रहा है, परमिशन आ रही नहीं आ रहा, मतलब बोल रहे हैं कि भाई, अपन बोलते नहीं मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऑप्शन हमारे देखिए मे, माइट, कैन, शुड। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना, मे आएगा, मे नहीं आएगा, मे ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों, अभी मैंने आप लोग को बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जहां भी ईडी फॉर्म आ जाए या पास्ट फॉर्म आ जाए तो हम पास्ट वाला यूज करेंगे ना। तो मे का पास्ट क्या है, माइट है। मे का पास्ट क्या है, माइट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, माइट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पर प्रे होता, इफ सपोज यहाँ पर प्रे होता, तब हम मे यूज करते, क्या यूज करते, मे यूज करते। बट यहाँ पर ईडी फॉर्म लगा है, पास्ट फॉर्म लगा है, इसलिए हम माइट यूज करेंगे। सेवन, जॉन डैश टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक। ऑप्शंस आर यूजुअली प्लेज, हैज प्लेड, प्लेज यूजुअली, इज प्लेइंग यूजुअली। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें इस सेंटेंस में ये लिखा है कि जॉन जो है एक से दो बार वीक में खेलता है, मतलब वीक तो जो है हर वीक में खेलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीक में उसने एक से दो बार खेला, पूरे जितने भी वीक है, मतलब ये चीज जो है रेगुलरिटी है उसकी। ठीक है, रेगुलरिटी मतलब कंटिन्यूटी है, मतलब वो हर दिन जो है खेलता है, हर हफ्ते जो है एक से दो बार खेलता है। तो जहां भी रेगुलरिटी आपको दिखाई दे सेंटेंस में, तो सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहां पर हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां नहीं है, तो हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए एंड सी। अब बोला है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, बट यूजुअली यहाँ पर पहले और यहाँ पे बाद में। तो अब हमारा यहाँ पर क्या रूल लगेगा, तो हमें ये याद रखना है कि जहां भी मेन वर्ब होगी उसके पहले हमारा एडवर्ब आएगा, उसके पहले हमारा एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब प्लेज है और इसके पहले क्या आया है, एडवर्ब आया है यूजुअली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जॉन यूजुअली प्लेज टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहां भी रेगुलरिटी की बात की जा रही हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यू डैश हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट एक्सीडेंट। ये भी हमारा मॉडल वर्ब से लिया गया है क्वेश्चन, ये भी हमारा मॉडल वर्ब से लिया गया है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, शुड, कुड, कैन या माइट।
जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए एक्सीडेंट के, एक्सीडेंट हुआ है भाई, तुमको जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम इस चीज में एडवाइस दे रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो हम एडवाइस के लिए क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, शुड। तो ये रहे हमारे आज के कुछ 8 क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए कि आपका स्कोर आउट ऑफ 8 कितना हुआ और आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। ये हमारी सेकेंड वीडियो है, अभी धीरे धीरे आपके जो है क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज होते जाएंगे। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ व्यापम के क्वेश्चन है, नहीं, ये क्वेश्चंस आपको हर जिस भी पेपर आप दोगे उस पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ग्रामर चेंज नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज। ये थी हमारी आज की वीडियो, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।